सिस्टर एज सेड एक सूरत में दो कहानी, तो ट्विन सिस्टर्स हैं और दोनों कैरेक्टर वाइज बिल्कुल डिफरेंट हैं. एंड वी आर पार्ट ऑफ द शो बिकॉज वी ऑल ऑफ देम हैज डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी विद द स्टोरी ऑफ वानी रानी एज वेल. सो यू कैन मीट हियर लाइक यंगर जनरेशन लीड्स पार्ट ऑफ फैमिली. वी आर नॉट द पार्ट ऑफ फैमिली बट आने वाले टाइम में हम फैमिली का हिस्सा बनेंगे. खुदा ने चाहा बात नहीं करती है तो बहुत टाइम से बात नहीं करती है, वो बात करना चाहती है. सो नाउ दे आर ट्राइंग कि बात कैसे की जाए. तो वो एक तरफ से प्लान किया जाता है कि चलो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, शायद वहाँ पर गुस्सा शांत हो जाए, बट सम हाउ कहीं ना कहीं मिस होता है एंड फिर उनकी बात नहीं होती है, फिर कुछ ड्रामा होता है, तो फिर बात कैंसिल हो जाती है. एंड घर में रानी वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब उनके साथ सीन करते हैं, हम लोग बच्चे लोग करते हैं, लगता है कि बस अपनी माँ आ गई है, हम लोग सीन कर रहे हैं. मिस्टी कहाँ है? हम लोग मतलब बहुत ही मज़ा मस्ती करते हैं सेट पे. सो टेल मिस्टी लाइक ऐसा रेगुलर कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही ऑफ बीट है, क्लम्जी है, बार बार पे कहीं पर भी गिर जाती है. और वो लॉयर है और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो एक बहन की है, वो है वानी. वानी इज़ अ लॉयर, बहुत ही फेमस है. तो उनकी वानी जो है मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो मैं उन्हीं के पास काम मांगने जाती हूँ. लेकिन लाइक ट्रैक्स आने वाले हैं, मतलब कोई भी एक इंटरलिंक नहीं है, लेकिन बहुत अलग अलग है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार आने वाले. एक्साइटेड एक्चुअली बट देयर इज नो नेगेटिव शेड. हु इज प्लेइंग? सिद्धार्थ इन द शो. लाइक देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन द शो व्हिच इज वेरी एंटरटेनिंग. मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स डू वॉच, क्योंकि दिस इज डिफरेंट शो एंड यू विल सी डिफरेंस. डेफिनेटली डू वॉच. थैंक यू. आई एम काइंड ऑफ पायनियरिंग दिस होल थिंग एंड आई एम हैप्पी टू बी प्लेइंग अ डबल रोल, व्हिच इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज इंट्रीग मी एंड आई हैव वंडर्ड व्हाट इट वुड फील लाइक टू डू अ डबल रोल. सो आई एम हैप्पी दैट आई गॉट टू डू दिस पार्ट. Well, I think that it's a unique show because there's we've never seen a protagonist in a double role, and I think it'll stand apart because it's I don't think it's going into the usual realm of the shows that we're seeing on television, and it's got a lot of family values, a lot of and not preachy at all, but in a completely fun way. And so there's this Rani who's doing all this madness in this fun way, and there's this Vani who's trying to be in control of the whole situation. So I think the USP of it is just these two characters being pitted opposite each other. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.